आई एम दुआ रहमान. मैं इस वक्त एल सी डब्ल्यू की स्टूडेंट हूँ. मैंने फोर्थ सेमेस्टर कर लिया और इसमें सेमेस्टर ब्रेक थी और इसलिए मैंने यहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन की. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमाद है और मैं बी सी से स्टूडेंट हूँ. सिक्स सेमेस्टर मेरा चल रहा है और लास्ट मंथ मैंने इधर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया. मेरा नाम महमूद है और मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट है. मेरा नाम शर्जी है और मैं इधर इस वक्त करंटली डेवलपमेंट के इंटर्नशिप में. मेरा नाम अहमद है, मैं बी एस आई टी कर रहा हूँ. मेरा आदमी उसी से लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है और करंटली मैं भी टैक्स शील्ड के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम. मेरा नाम हमना शतीक है और मैं एनसीडी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर मैं सिक्स सेमेस्टर में बी एस सी एस कर रही हूँ और यहाँ पे टैक्स शील्ड में आप इंटर्नशिप के लिए आई हूँ. मेरा नाम अब्रुआ है, मैं रहिशी हूँ और फिर वक्त मैं सी एस कर रहा हूँ यू सी पी से. मेरा नाम अब्दुल अहद है और मैं पास यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और अभी से मेरा सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ था, उसके बाद समर ब्रेक आया था तो यहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन की. इसमें मैं काफ़ी फैसिलिटीज और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं गेम डेवलपमेंट में. यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है. लाइक यहाँ पे जो कलीग्स हैं जो मुझे सिखा रहे हैं वो मेरे यूनिवर्सिटी के ही सीनियर हैं, तो वो ऑलरेडी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है. और यहाँ पे जो कलीग्स के साथ मैं फिलहाल टीम में काम कर रही हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और यहाँ पे कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है. सब लोग अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, जो चीज़ पूछी जाए उसको बड़े अच्छे तरीके से दिल से गाइड करते हैं. टेक्सचर मुझे जर्नी अच्छी लगी, शुरू में कंफ्यूजिंग था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सब साथ मिल के बैठते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, तो फिर सब कुछ मतलब कि इंसान ईजी हो जाता है क्योंकि और उसके लिए काम करना आसान हो जाता है. जो फर्स्ट मंथ था हमारा वो गया हमारा ट्रेनिंग का. मुझे टैक्स शील्ड का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया, सब लोग यहाँ बहुत हेल्पिंग है, सीनियर से जब कुछ पूछे तो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. अच्छी रही है. फर्स्ट मंथ जो था इंटर्नशिप का उसमें रनिंग थी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, और अब जो नेक्स्ट मंथ है वो फर्दर हम मतलब जिसको कंटिन्यू करना है उसी पे काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस, ये चीज़ें भी कंटिन्यू है. टेक्सचर का इन्वायरमेंट अच्छा लगा, सारे बड़े फ्रेंडली हैं, तो कोई भी इस तरह का कोई भी रूडनेस नहीं किसी में. बेसिक अब तक की जर्नी वन मंथ और कुछ की जर्नी है लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत मज़ा भी आया है, बहुत सेगमेंट्स भी हुए यहाँ भी आके और उनको अटेंड किया और नया मतलब कि चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव मिला यहाँ भी आके. बाहर से बिल्कुल एक तरह फैमिली की तरह काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जो क्लासेस हुई थी उन क्लासेस में काफ़ी कुछ सीखा था. अब ये सेकेंड मंथ है हमारा, उसमें टीम लीड के साथ हमें बिठाया हुआ है, जो भी हमें मसला मसाइल आता है वो हमें गाइड कर देते हैं. उनके साथ भी अच्छा जा रहा है, मतलब अच्छा समझाते हैं, गाइडेंस अच्छी है और समझ भी आ रही है और वो मुझे भी मजीद चीज़ें मतलब कि मजीद चीज़ें बताते हैं ताकि मैं उनको भी सीखूँ और अच्छा जाए मेरा आगे भी. और बहुत काइंड है, मतलब कि कभी ऐसे नहीं हुआ कि डांट दिया और मतलब कि बिल्कुल ईजी लेके चलते हैं. जो हमें शायद यूनिवर्सिटीज में उतना नहीं सिखाई जाती लेकिन यहाँ पे जिस तरह हमारे सर हैं जिन्होंने एक अच्छे तरीके से ट्रेन किया है और अच्छे तरीके से हमें हमारे पर फोकस किया बकायदा हर एक एक चीज़ पे, एक पॉइंट पे और एक एक डिटेल हमें बताई है. उसमें लाइक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी कि एक नया इन्वायरमेंट है और यहाँ पे इंटर्नशिप पे फर्स्ट ईयर थी तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहा था एक्सपीरियंस. लाइक जिस तरह सुना था इंटर्नशिप पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ही वो इंटरनल से काम वगैरह करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नहीं आती थी उन्होंने वो सिखाई और उसी के अंदर जो हम लोग सीखने आए थे उसी चीज़ को टारगेट करके हमें सिखाया जा रहा है और उसी को आगे प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट मंथ में यहाँ पे क्लासेस हुई तो वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, यूनिटी से इंटरेक्शन बिल्कुल बिगिनिंग का था तो पहले इतना यूनिटी के साथ ही तो उसके बाद फिर लेकिन जो सर ने बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस वगैरह कंडक्ट की. मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा कोई डर या किसी सीनियर का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं, वो बड़े तरीके से समझाते हैं, जितनी बार पूछो उतनी बार वो करवाते हैं.